तो मैंने रिकॉर्डेड से आपका पूरा जो सिलेबस था बायो का पूरा एकदम 4 महीने में मेरा कर लिया, पूरा खत्म कर लिया एकदम। तो मैंने पूरा आपके नोट्स पे ट्रस्ट किया एकदम पहले से लास्ट तक, मेरे को पता था हो जाएगा और हो गया जो होना है। फिर तो आपके मॉक टेस्ट थे, और मॉक टेस्ट तो बहुत हेल्प किया, मतलब मेरा 2-3 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आ गए। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है संदीप। इन्होंने इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर किया है और वो भी बहुत अच्छी रैंक से क्लियर किया है। AIR 19 इनकी रैंक रही है। एक बहुत अच्छी रैंक के साथ संदीप ने इस बार अपना आईआईटी जैम का सपना पूरा किया है। सो संदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो संदीप, कैसा लग रहा देखिए, है आपको कि इतने अच्छे रैंक से आपने क्लियर किया, और आपके पेरेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स तो मैम बहुत खुश है। अभी पापा जिस दिन पता चला तभी बहुत खुश हुए, बोले कि ठीक है 2 साल का मेहनत अभी ठीक है, तो चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। सो पेरेंट्स डेफिनेटली खुश होंगे। और आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन है संदीप, क्योंकि फ्रेंड्स भी होते हैं साथ में, आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन है? हाँ, वो लोग भी बहुत खुश है, सब बोल रहे हैं कि चलो 2 साल तुमने तुमको देखा करते हुए, तो आज कुछ रिजल्ट आया तो अच्छा लग रहा है सबको। अभी दोस्त सब बहुत खुश है। अभी संदीप, आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की थी अपनी एग्जाम की? मेरा जब सेकेंड ईयर में मैं थर्ड सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने तब से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तभी मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया एकदम, मेरे को मतलब उससे पहले उतना कुछ आता नहीं था, तो मुझे आपका यूट्यूब से पता चला था, उसके बाद मैंने आपके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। YouTube से ही तुम्हें आईआईटी जैम के बारे में पता चला था? कि आईआईटी जैम जैसा एग्जाम होता है, तुम्हें पता कैसे चला था? क्योंकि आईआईटी जैम एक ऐसा एग्जाम है जो ज्यादा फेमस नहीं है। मतलब मेरे बहुत दुख की बात है कि आईआईटी जैम इतना अच्छा एग्जाम इतना फेमस नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चला था इसके बारे में? हाँ, तो मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, तो वो मतलब पहले से ये सब खबर बहुत रखता था कि कौन से एग्जाम कहाँ जाते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट है एमएससी के लिए, कैसे जाते हैं। तो वो बताता था कि ऐसा ऐसा आईआईटी जैम होता है, गेट भी होता है, टीआईएफआर होता है, ये सब एग्जाम देके हम जा सकते हैं मतलब एमएससी के लिए अच्छे अच्छे जगह। तो तब मुझे पता चला कि मतलब आईआईटी जैम होता है। फिर उसके बाद सिलेबस वगैरह मैंने देखा, तो वहाँ पे देखा कि सेम नीट जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री आता है और मैथ तो आता है, साथ में बायोलॉजी का बीएससी का जो लेवल का आता है वो सब चीज़ें आते हैं। तो तब स्टार्ट किया धीरे धीरे प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन तुमने काफी लंबे टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी, मतलब बहुत पहले से ही तुमने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन को। हाँ मैम, मेरा मतलब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया, तो मैंने रिकॉर्डेड से आपका पूरा जो सिलेबस था बायो का पूरा एकदम 4 महीने में मेरा कर लिया, पूरा खत्म कर लिया एकदम। मतलब 2 क्लास करता था मैं, सुबह एक शाम को एक, रिकॉर्डेड होता था तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता था, मतलब 1.5x कर देता था, और लिखने के टाइम थोड़ा स्लो कर देता था। तो पूरा 4 महीने में मेरा पूरा सिलेबस हो गया, तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी कैसे हो गया, हो भी सकता है। मैंने एक चीज़ देखा था कि अगर कंसिस्टेंट रहे एक चीज़ के लिए तो हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो धीरे धीरे करके वो कर लिया, और इधर ये रिविजन चलता था इसका जो हो गया था उसका। हाँ, मतलब मैं भी शौक हूँ कि तुमने 4 महीने में पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कर दिया। क्योंकि मेरे एक यूनिट के अगर तुम देखोगे लेक्चर्स 30 से 35 लेक्चर्स होते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री इतनी बड़ी यूनिट है, तो उसी में मेरे लेक्चर्स जो होंगे वो 30 से 35 होंगे, कुछ यूनिट छोटी होती है। मतलब कैसे कर लिया तुमने ये 4 महीने में, ये मैं पूछना चाहूंगी, कैसे पूरा मतलब सिलेबस? मुझे मतलब बायोकेम थोड़ा अच्छा लगता था, तो बायोकेम सेल बायो अच्छा लगता था, तो कुछ कुछ टाइम में मैंने 3 वीडियो भी कर लिए दिन में। अच्छा, लेकिन मैं दो दो मिनिमम करता था, मतलब रोज सुबह एक शाम को एक मैं करता था, और रात में 1 घंटा मैं जो हो जाता था चैप्टर कंप्लीट बा ऐसा कुछ, तो उसको मैं रिविजन रखता था, और मैं जो कंप्लीट होता था चैप्टर उसके बाद उसको सर्कल में डाल देता था। मतलब अगर 2 चैप्टर हो गए तो तीसरा वाला कंप्लीट हुआ तो तीसरे को भी वो सर्कल में डाल दिया, तो मैं अच्छा, तीनों का रिविजन करूंगा फिर से मैं स्टार्ट करूंगा पहले से, ऐसे करता था। ओके। तो सर्कल में ऐसे चलते चलते मेरे चैप्टर ऐड होते गए, और रिविजन का टाइम मतलब बढ़ता गया वो चलता गया पीछे पीछे। तो तुमने नोट्स भी बनाते थे, तुम अपने ही नोट्स बनाते थे संदीप? हाँ मैं, आप जो लिखती थी बोर्ड में मैं एकदम पिन पॉइंट वही अपने कॉपी में रखता हूँ। मेरे कॉपी अभी नहीं है, मैं घर पे हूँ, नहीं तो मेरे अच्छा, पास आपके पूरे कॉपी एकदम पूरा सजा के रखा है, जो पूरा सिलेबस है पूरा वही पे एकदम कंप्लीट पूरा है मेरे पास नोट्स।
खुद से ही नोट्स बनाते थे, तो तुम्हें लगता है कि ऐसे नोट्स वगैरह बनाना ना प्रेफरेबल होता है, अच्छा रहता है अपने लिए? कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें प्रिंट आउट ही दे दो, आईआईटी जैम में तो मैं एटलीस्ट सजेस्ट करती हूँ कि आईआईटी जैम वाले तुम लोग तो एटलीस्ट लिखो, तो तुम्हें लगता है इससे कोई बेनिफिट होता हाँ है? हाँ मैम, बहुत होता है। मतलब एक चीज है कि खुद से लिखने में ना एक वो अपना आता है कि बाद में अगर पढ़ते हैं तब लगता है खुद का चीज पढ़ रहे हैं, तो याद भी रहता है, हैंडराइटिंग याद रहता है। और मेरे को तो ऐसा भी हुआ, मतलब एग्जाम दे रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आया तो कॉपी में किस जगह पे लिखा हुआ है ये मेरे सिर पे आता था, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कलर में लिखा हुआ है, ये सब भी आता था। तो बहुत ईजी हो जाता है वो याद करना, तो इसलिए खुद के नोट्स तो बनाने चाहिए एकदम 100%, और उसको रिविजन भी करना चाहिए जितना बार हो सके। तुमने ये बात बोली कि तुम्हें ये याद आ जाता था कि वो चीज कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से पेज, मतलब एक इमेज सी चलने लग जाती है, तो इसके लिए डेफिनेटली तुमने बहुत रिवीजन किया होगा, क्योंकि मुझे पता है इस चीज के लिए बहुत रिवीजन लगता है। तो तुमने लगभग हर एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज कर लिया था संदीप? मतलब पहले के जो चैप्टर थे, सेल बायोलॉजी बायोकेम, वो तो करीब 50-60 बार हो गए होंगे, और बाकी के आखिरी के कुछ चैप्टर्स 20-30 बार हुए होंगे। क्योंकि मेरा चलता था रिवीजन, मेरा सबसे ज्यादा रिवीजन ही चलता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब आपके नोट्स के अंदर जो है डाटा, उससे मतलब बीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो मेरे को वो भरोसा था आप पे, तो मैंने और कुछ नहीं, बस वो किया, बार बार वो चैप्टर्स करते गया। और अगर कुछ टाइम पे मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूंगा कई चीजें, तब मैं पाथफाइंडर का जो बुक आता है वहां से थोड़ा थोड़ा देख लेता था, क्योंकि वो भी अच्छा बुक है, उसमें बहुत कुछ है, उतना पढ़ा नहीं जा सकता बीएससी में, तो मैं थोड़ा सा पार्ट देख लेता था, बाकी आपका नोट्स मैं रिविजन करता था मेजरली। तो ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि रिसोर्सेस जो हैं वो तुमने बहुत कम रखे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बायोकेमिस्ट्री के लिए ये रिसोर्स भी चाहिए, ये रिसोर्स भी चाहिए, ये रिसोर्स भी चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर आप 6 महीने एक बायोकेमिस्ट्री जैसे यूनिट पर लगा दोगे तो आप पेपर कैसे क्लियर करोगे? डेफिनेटली ये हाँ मुमकिन ही नहीं है कि पेपर क्लियर करना। तुमने ये बहुत अच्छी बात की कि तुमने रिसोर्सेज बहुत कंसाइज किए, कि मेरे लेक्चर्स कर लिए और थोड़ा बहुत पाथफाइंडर को रेफर कर लिया। तुम उसके अलावा भी कुछ ढूंढ रहे थे, कोई रिसोर्सेज और कुछ भी रेफर किए थे तुमने? नहीं मैम, मैंने जेन्युइनली कभी भी मतलब कोई भी अपर लेवल बुक जो है, प्रेस्कॉट वगैरह, माइक्रोबायो का और लेनिंजर, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा अभी तक, शायद बाद में पढ़ूँ लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ आपके नोट्स मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया। मेरे को अभी भी कोई बोल दे कि ये क्वेश्चन है तो मैं कॉपी खोल के निकाल दूंगा कि ये जगह पे है, मतलब ऐसा मेरा हो गया है रिविजन करके। तो मैंने पूरा आपके नोट्स पे ट्रस्ट किया एकदम पहले से लास्ट तक, मेरे को पता था हो जाएगा और हो गया जो होना है। अरे वाह संदीप, मुझे खुशी है कि आपने मतलब ये देख लिया कि एग्जाम को क्लियर कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि एग्जाम को क्लियर कैसे करते हैं, तो आधा मुश्किलें आपने सॉल्व कर दी। और एग्जाम को क्लियर करने का तरीका क्या है, कि कंसाइज नोट्स बना के पढ़ो और उसको रिवाइज करो, जो तुमने किया 40 से 50 बार रिवीजन, मतलब काफी सराहनीय है। इतना तो मैंने मेरे सीएसआईआर के लिए भी नहीं किया था जितना तुमने किया है, तो ये काफी सराहनीय है। इसके अलावा संदीप, एक बात मैं आपसे पूछना भूल गई कि आपके इस बार मार्क्स कितने बने थे जो आईआईटी जाम का एग्जाम है मेरा उसमें? इस बार थोड़ा क्वेश्चन इजी था तो मार्क्स का सबके बढ़ गए, तो मेरा 78 आया था आउट ऑफ 100, तो उसके बेसिस पे मेरा 19 रैंक आया। तो पिछले साल थोड़ा मतलब इजी था लेकिन इतना इजी नहीं था, तो इस साल बहुत इजी हो गया पेपर, तो कट ऑफ भी 44 कुछ चला गया जनरल का, तो इस साल थोड़ा मतलब टफ चला गया, जो सिली मिस्टेक के उन लोग का बहुत मार्क्स कम गया। मेरा एक दोस्त है उसका थोड़ा सा गलती हो गया 3-4 नंबर का, वो बहुत नीचे चला गया, मतलब हाँ जी, अच्छा था वो भी। हाँ इतने मतलब इतने कम मार्क्स में इतना फ्लक्चुएशन पहली बार देखने को मिला, इतना कम, मतलब पिछली और बार वो तो भी जिस इतने ऊपर रेंज में, मतलब 70 के मार्क्स के पॉइंट के बेसिस में मतलब रैंक चेंज हो रहे हैं, जो नहीं होता एक्चुअली, वो 50-60 में रहता है वो रेंज, कि पॉइंट में मार्क्स चेंज होते हैं, मतलब रैंक चेंज होता है। इस साल बिल्कुल। थोड़ा ऊपर आ गया वो वाला। इनफैक्ट जो 70s के रेंज में ही है उन्हीं की रैंक 150 से 200 में जा रही है इस बार के, और पिछली बार था कि 50s की जो रेंज थी उसकी अंडर 100 में रैंक आई है, और इस बार 50s में जो है उसकी 1000 में रैंक गई है। सो इस बार बहुत, मतलब जो आईआईटी जाम है वो बहुत ऊपर चला गया अब तो कट ऑफ के मामले में, क्योंकि पेपर काफी इजी ऑब्वियसली हो गया। बायोलॉजी इजी अगर हो ज्यादा गया, आएगी तो इजी ही होगा, जैसे इस बार भी बायो ही ज्यादा आई मतलब थी। मैथ मैथ इस साल तो मतलब लग रहा है मेरे को वेस्ट चला गया मेरा करना, क्योंकि अच्छा आया ही नहीं कुछ, जो हाँ आया वो ना ना करके भी हो जाता है, मतलब ऐसा आया। हाँ 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 और इजी आ रहा है ना, केमिस्ट्री क्योंकि का हाँ वो भी इजी हो गया है बहुत, तो इसलिए मतलब पूरा पेपर, बायोलॉजी भी इजी हो गया, और जो डिसाइडिंग रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी थोड़ा मीडियम रहता तो हो जाता थोड़ा मॉडरेट पेपर, लेकिन वो भी बहुत मतलब बहुत ही इजी हो गया।
तो इस साल इसलिए कट ऑफ भी हाई चला गया। इसलिए मैंने आपको पूछा भी था मतलब मार्क्स काउंट के बाद कि मैम इस साल आएगा क्या, इतने में इसके अंदर रैंक आएगा, तो आप भी नहीं एश्योर कर पाए थे क्योंकि थोड़ा पेपर इजी था। पेपर, हाँ क्योंकि पेपर इजी था, हमें पता ही नहीं था कि कितने मार्क्स पे आ रहे, ये क्योंकि पेपर देखते ही समझ गए थे पेपर तो इजी है, इसलिए पता था कि इस बार हाँ तो कुछ बदलेगा ही बदलेगा, वो डेफिनेटली श्योर हाँ था। बट उम्मीद तो थी कि आपकी अच्छी रैंक ही आएगी, और आपकी बहुत अच्छी रैंक ही आई। आपका कोई सपना है आईआईटी में जाने का, या फिर आपको आईआईटी में जाना है, या फिर कहीं और कोई और इंस्टीट्यूट में सोच रहे हो आप? सपना तो मेरा दो जगह पे है, एक मेरा आईआईएससी बैंगलोर में है इंटीग्रेटेड पीएचडी में, और दूसरा मेरा एनसीवीएस में है, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है। तो वो लोग तो TIFR के थ्रू रहते हैं, तो उनका मेरा हो गया, अभी एप्लीकेशन किया है, तो अगर शॉर्टलिस्ट हुआ तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, और इंटीग्रेटेड में और यहाँ पे शायद आ जाएगा आईआईएससी में इंटरव्यू के लिए कॉल, क्योंकि अच्छा, मतलब 70 या कुछ तक बुलाते हैं वो लोग आराम से इंटीग्रेटेड के लिए। हाँ, तो देखते हैं उसका अगर हो जाए कुछ। आईएएससी तो आराम से आपको बुलाएगा ही बुलाएगा, एनसीबीएस भी मुझे लगता है डेफिनेटली बुलाएगा, दोनों इंस्टीट्यूट पास पास में हैं बेंगलोर के, सो दोनों इंस्टीट्यूट में आप बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। संदीप, ऐसा रीजन आईआईएससी बैंगलोर चूज करने का, मतलब आप आईआईटी बॉम्बे चूज नहीं कर रहे हो, आईआईएससी बैंगलोर चूज कर रहे हो? वैसे तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बात है कि आईआईएससी बैंगलोर एक टॉप इंस्टीट्यूट में होता है, लेकिन फिर भी कोई डेफिनेट रीजन इन चीजों के लिए? हाँ, एक चीज़ है, मतलब पहली बात वो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहता, एमएससी कराते हैं उसके बाद पीएचडी होता है, लेकिन मतलब मेरा एक इच्छा है कि मतलब मैं रिसर्च ही जाऊँ, वो मेरा पहले से हो गया, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप के वक्त वो एक्सपीरियंस किया रिसर्च का थोड़ा सा पार्ट, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब काम करना ये सब अच्छा लगता है, लैब में लैब वर्क अच्छा लगता है, और रिजल्ट आता है तो और अच्छा लगता है। तो मेरे को तभी से थोड़ा थोड़ा लगता था कि हाँ पीएचडी के लिए जाऊंगा, पोस्ट डॉक करूंगा, ऐसा ऐसा लगता था, तो इसलिए मैंने देखा कि अगर जाना है तो बेस्ट क्यों ना जाए, तो इंडिया के बेस्ट तो वैसे भी है, तो ट्राई करेंगे उसमें जाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है। संदीप, इसमें ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में किस तरीके से पता चला था? यूट्यूब पे ही सर्च करके कोई टॉपिक सर्च किया था कभी? कैसे पता चला था? हाँ, तो मेरा तभी चल रहा था सेकंड सेमेस्टर, कुछ मेरा सेमेस्टर था, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था तब, मतलब पूरा ब्लैंक था मैं, तो मैंने एक बार सर्च किया ये टॉपिक लगा के कुछ, तो आपका वीडियो आया, तो मैंने देखा पहला वीडियो, तो मेरे को अच्छा लगा आपका स्टाइल पढ़ाने का, इजी करके आपने समझा दिया तो अच्छा लगा। मैंने तो बाकी सब भी देख लिया, तो वो सब देख के मेरा चलता था का चलता हुआ मैं फिर देखा कि आप पढ़ाती हो, आपका कोचिंग है, तो मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैंने आपका पूरा कोर्स जो है वो मैंने कर लिया, एकदम रिकॉर्डेड से मैंने पूरा पढ़ लिया, और मैंने नोट्स बनाए, सब चैप्टर्स के नोट्स बनाए एकदम बराबर, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पूरा एक भी कुछ नहीं छोड़ा टॉपिक आपका, और मैंने सब नोट्स बना के फिर मैंने आपका बंद कर दिया लेक्चर्स, क्योंकि हो गया आपके पास से लेना था, हो गया, अभी मेरे को वही रिविजन करना था, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने नीट दिया था तब मेरा वही गलती था कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मेरे को पता चला कि रिवीजन एक मेजर चीज़ है जो सब कुछ ठीक करता है, तो मैं करता गया रिवीजन, करता गया करता गया, और मतलब ऐसा हो गया कि पूरे पेजेस मेरे आंखों के सामने आ जाते थे, ऐसा होता, तो जब तक ऐसा नहीं हुआ मैंने छोड़ा नहीं, और मतलब एग्जाम के 1 महीने तक, 1 महीने पहले तक भी मैंने रिवीजन किया, और लास्ट बार एक रिवीजन करके एग्जाम दे दिया, हो गया। तुमने एक बार जब पढ़ लिया ये सारी चीजें, एक बार क्लासेस से देखे, उसके बाद तुम फिर प्रैक्टिस सेशंस बताए थे कि तुम प्रैक्टिस सेशंस काफी करते थे उसके बाद, उसके बाद हाँ, तो हाँ आपका प्रैक्टिस सेशन था, तो वहाँ पे आप चैप्टर वाइज कराती थी, और कभी कभी एकदम बंच में भी सब कुछ लेके कराती थी, तो वो मेरे को एक होता था, पहले मैं क्या करता था, चैप्टर पढ़ लिया थोड़ा सा, मतलब पूरा पढ़ लिया नोट से आपका, तो एकदम पहले जब हुआ था, मतलब सेल बायोलॉजी का जब मैं कर रहा था एक बार, मेरे को याद है, तो मुझे आपका चैप्टर हुआ था सब नोट्स लिख के, तभी मैंने उतना रिविजन नहीं किया था, तो मैं कुछ नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि अरे यार ऐसे कैसे होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया अभी नहीं हो रहा, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको 3-4 बार फिर से रिवाइज किया अच्छे से, सब टॉपिक्स फिर से आपके नोट्स देखे देखे, फिर मैंने किया, तभी मेरा 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो मेरे को तभी चीज पता चली कि मतलब सब कुछ है, कॉपी में सब कुछ है, मेरे को देखना होगा ठीक से, मतलब लिंक होता है, पकड़ के चलिए बायोकेमिस्ट्री में एक साइकिल से सेकेंड साइकिल मतलब लिंक है,
एसरेल कुए जो आता है वो बाद में जाके वहां पे काम करता है। तो ये सब लिंक चीजें मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन रिविजन करते हुए मेरे को वो चीज आ गई अंदर से कि सब कुछ लिंक करके पढ़ूंगा तो मतलब हो जाएगा। ऐसे करके बाद में प्रैक्टिस सेशन करता तब हो जाते थे सब। वो करते करते फिर तो आपके मॉक टेस्ट थे, और मॉक टेस्ट तो बहुत हेल्प किया। मतलब मेरा 2-3 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आ गए। मतलब एक एवंडेंट आरएनए का कुछ क्वेश्चन था, तो वो मेरा पहले मॉक टेस्ट में आया था, तो मैंने गलत किया था मॉक टेस्ट में वो। तो उस दिन मैंने आंसर देख के जो सिर पे रखा वो एग्जाम में भी आया और ठीक हो गया। तो बहुत हेल्प किया वो। और एक मैथ्स भी था कुछ केमिस्ट्री का, कुछ एब्जॉर्प्शन का, तो वो भी आया था सेम चीज। तो मतलब बहुत कुछ हेल्प हुआ मॉक टेस्ट तो, एकदम सच में बहुत हेल्प किया मॉक टेस्ट। और एक टाइम का भी होता था, वो भी हो गया। मतलब दोपहर को मैं देता था एग्जाम जब टाइम होता था जैम का, क्योंकि पता था दोपहर को 2 बजे होगा, तो मैं वही टाइम पे रोज बैठ के देता। मेरा दोस्त भी देता था मेरे साथ, तो दोनों बैठ के 2 लैपटॉप लेके बैठते थे और एकदम अलग अलग एग्जाम देके देखते थे कितना मार्क्स आ रहा है। अच्छा, तो आप दो दोस्त बैठ जाते थे, दोनों आए, दोनों जो है वो टेस्ट देने हाँ बैठ जाते थे, बंसल बायोलॉजी की हाँ टेस्ट हाँ का। चलिए अच्छी बात है। हाँ हाँ और वैसे मैं आपके ऐप में देख बैठ जाते थे। वैसे मैं देख भी रही थी, क्योंकि मुझे तो पूरा दिखता है ना स्कोर कार्ड की, कितने बच्चे ने कितने मार्क्स लाए। तो मैं मॉक टेस्ट में देख रही थी, तो आपके जो मार्क्स रहते थे आप फोर्थ फिफ्थ स्टूडेंट में रहते थे, मतलब जब भी मॉक टेस्ट में हाँ होता था मतलब फोर्थ टॉप 10 फिफ्थ। में हो जाता था हर हाँ बार, हाँ ऐसा कुछ रहता था वहाँ पे लीडर वही मैं बोर्ड में। देख हाँ रही थी जब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में देख रही थी कि ये संदीप कहाँ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पहली बात तो ये खुशी है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए मॉक टेस्ट से आईआईटी जैम के एग्जाम में। दूसरी चीज, आपने एनालिसिस की थी, मतलब जब क्वेश्चंस कर लिया आपने, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं कुछ क्वेश्चंस सही होते हैं, आपने क्या गलतियां की, ये सारी एनालिसिस करते थे संदीप आप? हाँ मैं आप लोग का तो मतलब अच्छा था कि पूरा वीडियो सॉल्यूशन देते थे। वीडियो सॉल्यूशन तो पहले तो मैं, हाँ पहले तो वो ऐप पे तो एक मतलब वो आता है ना, जो क्वेश्चंस कौन से गलत हुए वो दिखता है वहीं पे एग्जाम के बाद जब आ जाता है, तो मैं वहां से पहले देखता था। फिर कुछ कुछ समझ आता था वहां से कि ये क्यों गलत हुआ, और कॉपी से भी मिला लेता था। और बाद में कुछ कुछ मतलब मैथ्स का मेरा उतना अच्छा नहीं था पहले से, तो मैं मैथ्स का जो चीज़ें होता था मैं पूरा वीडियो देखता था सर का, कि सर कोई दूसरे प्रोसेस में कर रहे हैं या नहीं, या कुछ मेरा गलती हो रहा है मैं अलग कुछ कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो है, फिजिक्स का है, आपका आपका तो चलिए हो जाता था, कॉपी से मिल जाता था मेरे को। और कुछ कुछ चीज़ें आप बोल देती थी वो देख लेता था, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो रहता है प्रॉब्लम वो मेरा वहाँ से वीडियो देख के मैं सॉल्व कर लेता था, और वो नोट कर लेता था। मेरा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉपी है, तो मैं वहाँ पे नोट करके रख देता था कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब ठीक करना होगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट दिया और भूल गए कि टेस्ट भी दिया था कभी, वो भूल ही जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आप टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करिए, तब आपका टेस्ट का जो पूरा ग्रंथ है वो निकलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि आपने एक क्वेश्चन गलत किया, लेकिन वो सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो बन गए आपके 2 मार्क्स हाँ में, 1 मार्क्स जितने में भी आया था, हाँ तो आपकी तो चांदी हो गई। एक एक मार्क्स पे आप इस बार देख रहे हो रैंक, रैंक किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही हाँ है, तो ये आपको बहुत हेल्प किया, मुझे खुशी है। और प्रैक्टिस सेशंस भी आपको हेल्प किए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं थैंक आपसे यू। ये भी पूछना चाहूंगी संदीप, आपने प्रैक्टिस सेशन किए मॉक टेस्ट सीरीज की, इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? इसके अलावा मैं वैसे मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं ज्यादा फोकस रिवीजन में देता था, क्योंकि अगर पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, ये चीज तो है। प्रैक्टिस सेशन होता है कि कुछ कुछ जगह पे डाउट होता है, क्वेश्चन घुमा के आता है, वो सब प्रैक्टिस कर लिए ठीक है, लेकिन चीजें तो सब कॉपी में है। मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे दिमाग से आएगा, वो आएगा कॉपी से। तो मैं डेफिनेटली इस पे फोकस करता था कि जो भी आएगा मेरे कॉपी में है, मेरे को कॉपी सब याद रहना चाहिए। चीजें तो सब दिमाग में है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो कॉपी से आता है, तो मेरे को कॉपी याद करना चाहिए। मैं इसलिए कॉपी में ज्यादा फोकस करता था रिविजन में। तो ऐसे करते हुए मैंने देखा कि नहीं, रुकता नहीं है क्वेश्चन कोई भी, अगर मैं कॉपी ठीक से पढ़ के आता हूँ तो मेरा का रुकता नहीं है कुछ भी। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, मैंने एग्जाम से पहले थोड़ा किया, और पहले जब मतलब पहले जब कर रहा था क्लासेस उसके साथ मैंने वो कर लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा किया था। वो थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब गैप भी आ गया था, बहुत आता है गैप। हम लोग का यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत जोर से होता है, तब पूरा गैप चला गया वो महीने में। मेरे इंटर्नशिप था तो वो 2 महीने मेरा पूरा एकदम पढ़ाई एकदम जीरो था, मतलब कुछ नहीं हुआ, तो एकदम वो सब गैप आता है। लेकिन फिर बाद में मतलब डिवीजन था ना, तो एक बार पढ़ने से वो सब रिकवर हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता। संदीप, पूछे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे टेस्ट होते थे अपलोड, अपने हर संडे एक टेस्ट अपलोड होता था, तो क्या जिस दिन टेस्ट अपलोड होता था उसी दिन आप दे देते थे या अगले दिन देते थे या किसी कुछ दिनों बाद? हाँ नहीं, मैं एकदम पंक्चुअल हूँ,
मैं जिस दिन होता था उस दिन आपके साथ 11 बजे हो जाता था टेस्ट बजे अपलोड। नाइन नाइन एम तो हाँ, तो हम लोग सुबह उठ के, तभी थोड़ा ठंडा था तो हम लोग रात में पढ़ते थे, दिन में 10 बजे ऐसा कुछ उठते थे, उठ के खाना पीना कर लिए, एकदम बैठ जाते थे 2 बजे, एकदम जैम का जो टाइम है मैं वही टाइम पे बैठता था, वही अच्छा टाइम पे बैठ के एकदम वो 3 घंटा जो है पेपर, तो उतना टाइम नहीं लगता था, वो 2 घंटा 2.5 घंटा में हो जाता था, तो वो दे के टेस्ट सबमिट करके फिर उठते थे। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि जिस टाइम पे टेस्ट है अगर हाँ उस टाइम पे हम लोग थोड़ा ब्रेन को प्रेशर दे तो वो वर्क करना सीख जाएगा ओवर टाइम पे, तो जी इसलिए तभी दोपहर को मैं ट्राई करता था तो हो जाता था। और टेस्ट तो मतलब कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन चला जाता था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन खूब इजी क्वेश्चन था तो गलत हो जाता था, तो लगता था कि ये गलत कर दिया है तो एग्जाम में तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बिल्कुल फिर वहां से सीख के सीखते सीखते हो जाता था चीजें। हाँ, ये बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ कि जब आपका एग्जाम का टाइम है ना, उसी टाइम एग्जाम देने से क्या होता है ना, आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करने लग जाता है, फिर वो उस टाइम पे उसकी एक्टिविटी जो है वो अच्छी चलने लग जाती है। तो इसलिए हमेशा उस टाइम पे टेस्ट देना ही देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात की। और दूसरी चीज, ये जो पंक्चुअलिटी की बात आपने बोली है ना, ये बिल्कुल सच में इस बात को कुडोज है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते इतनी पंक्चुअल होना कि उसी दिन टेस्ट देना नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने पहले क्या किया था, मैंने बोला था कि एक ही दिन टेस्ट अवेलेबल रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के पंक्चुअल ना होने की वजह से अब मुझे टेस्ट वो अनलिमिटेड अवेलेबल करवाना वो पड़ता। है। तो ये और चीज, उसके लिए रिजल्ट का भी पीछे हो जाता था हम लोग। हाँ, इसमें रिजल्ट भी आपका पीछे हो जाता है कि आप पहले दिन दे देते हो, फिर कोई बच्चा एक हफ्ते बाद देता है, तो फिर उसमें इधर फ्लक्चुएशन होती थी। बट ये बहुत अच्छी बात है इतनी पंक्चुअलिटी होना। देखो, हर एक स्टूडेंट को मैसेज जा रहा है कि AIR 19 आपको ये बात कह रहा है, तो आप लोग भी ट्राई करिए, जितना पंक्चुअल हो सकता है उतना होइए। इसी में ही आपने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते थे आते हुए, बुरा लगता था, तो ये जो डीमोटिवेशन होता था इसको कैसे ओवरकम करते हो? कि आप टेस्ट दे रहे हो, सिली मिस्टेक होगी हाँ होगी, इंसान हो आप, कोई चीज आप भूलोगे, कोई चीज हो सकता है आपने पढ़ी ही ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो इन सब चीजों को आप पहले कैसे टैकल करते थे? तो मतलब एग्जाम के बाद जब देखता था तब मार्क्स देख के थोड़ा शॉक मतलब लगता था थोड़ा बुरा कि थोड़ा इतना नहीं आ रहा, 60 नहीं क्रॉस हो रहा तो कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा। फिर मैं सोचता था कि ठीक है चलो टेस्ट तो दे रहा हूँ, मतलब कुछ पता चल रहा है कि कहाँ का गलत है ये है, तो मैं सोचता कि अगले टेस्ट में इससे अच्छा करूंगा। ऐसे मैंने हर एक टेस्ट में सोचा कि अगले टेस्ट में अच्छा करूंगा। अगर पिछला वाला टेस्ट से ये वाला टेस्ट अच्छा भी गया फिर भी सोचता था कि पिछला वाला टेस्ट बुरा गया था, इस वाले में अच्छा गया, नेक्स्ट वाले में मेरे को और पिछले दो से अच्छा करना है, मतलब उसका कंबाइंड भी हो जाए तो टॉप में आना है, ऐसा सोचता था। क्योंकि मतलब मॉक टेस्ट एक चीज है जो आपको समझाता है कि आपका लेवल कहाँ तक है अभी, मतलब प्रिपरेशन का लेवल, अगर आपका सब कुछ हो गया है तो आप फुल लेंथ दे सकते हो, तो फुल लेंथ दोगे तो आपको पता चलेगा कि गैप्स कहाँ पे है। कोई एक फिजिक्स का ही पकड़ लीजिए, एक जगह था वर्क डन वगैरह कुछ, तो बहुत ईजी था मैथ्स का, अच्छा मतलब मैथ्स बहुत ईजी था वो वाला, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया एग्जाम के टाइम, तो मेरा को वो पता चला कि मेरा गैप कहाँ पे हो रहा है उस चैप्टर में, तो मैं अच्छा गया पूरा चैप्टर रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद मेरे को कुछ ऐसी चीज पता चल गई वहां से कि ये सब तो मतलब 1 सेकंड का मैथ्स है, मैं इतने दिन से ये इतना टाइम लेके कर रहा हूँ, तो वो सब सब मॉक टेस्ट देके ही मेरे को पता चला। उससे पहले मेरे को इतना मतलब आइडिया नहीं होता था कि ये सब इतना इजीली हो सकता है, ये सब ऐसे याद रखे ये सब वगैरह। हाँ, इस चीज में मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प कर देता है कि आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस करवा देता है, आपका टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक्स कौन से वीक हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, किस टॉपिक्स में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी एनालिसिस आपको मॉक टेस्ट कर देता है। इसके अलावा आप भी ऑब्वियसली BSc में है, आपने, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने BSc अपनी कहाँ से कर रहे हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पश्चिम में पूर्व मेदिनीपुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मेरा कॉलेज है पांसकुड़ा बोनोवाली कॉलेज, वहाँ से बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी में मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, अभी लास्ट ईयर है मेरा, तो अभी ग्रेजुएट हो जाऊँगा, उसके बाद तो चले जाऊँगा कहीं पर। संदीप, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप BSc में हैं, आपके कॉलेज की क्लासेस चलती होंगी, ज्यादातर स्टूडेंट्स का, इनफेक्ट आपको भी हुआ होगा, मैनेज कैसे करें, क्योंकि कॉलेज में भी मार्क्स हाँ लाने हैं, कॉलेज में अटेंडेंस भी होती है, फेल कॉलेज में होना नहीं है, क्योंकि फिर IIT जाम क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। तो IIT जाम की प्रिपरेशन, कॉलेज की क्लासेस, कॉलेज के एग्जाम, कॉलेज के प्रैक्टिकल, IIT जाम की पूरी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मैनेज कैसे की संदीप आपने? थोड़ा हेक्टिक होता है, मतलब इतना चीज है सब कुछ, लेकिन मेजरली एक चीज सब लोग नहीं बोलते कि मतलब सिलेबस जो रहता है कोई भी बायो का स्ट्रीम का,
उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कोर चैप्टर्स जो सबके सेम होते हैं, मतलब पकड़ के चलिए सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब कोर चैप्टर्स हैं, ये सब में पढ़ने होते हैं। कुछ भी स्ट्रीम हो आपका, फिजियोलॉजी हो, जूलॉजी हो, सब में पढ़ना होता है। तो वहां से एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर का वो आ जाता है, दो तीन सेमेस्टर का वो कोर चैप्टर्स आपका जैम के प्रिपरेशन से आ जाता है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ होता है वो सब पढ़ना होता है खुद से, तो वो सब में उतना टाइम नहीं जाता। मतलब ये बड़े चैप्टर्स तो ये सभी है जो जैम के में है और आपके कोर सिलेबस में भी है, तो वो सब हो जाता है। और बाकी तो मैं बोलता था कि सबको बोलता था कि दिन में दो वीडियोस करो, हो जाता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। सुबह उठ के एक कर लो और शाम को कॉलेज से आके थोड़ा रेस्ट करके घूम के फिर के एक कर लो, और रात में थोड़ा सा 1 घंटा रिविजन कर लो ना, बाकी टाइम कॉलेज में पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो। मैं कॉलेज में भी कभी कभी पढ़ लेता था। और प्रैक्टिकल्स करना जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल से भी बहुत नॉलेज आता है। इस साल तो एक आया था, मतलब अगर उसका 0.8% कुछ कितना लगेगा, तो वो मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया था, इसलिए मैं कर पाया, क्योंकि मेरे को वो मेजरमेंट्स वगैरह पता थे, तो मैं इजीली कर लिया। तो वो सब प्रैक्टिकल्स भी काम आ जाते हैं, कभी कुछ भी कभी काम आ जाएगा, मतलब इसलिए प्रैक्टिकल्स भी अच्छे लगते हैं और इंटरेस्ट लेके करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो सिलेबस से ही होते हैं, तो एक चीज जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रहना चाहिए। तभी वो सब करते हुए हो गया और इधर वो मैनेज हो जाता है, मतलब अगर दिल से है कि करना है तो हो जाएगा, अगर सोचना है कि नहीं कैसे होगा कैसे होगा तो वो नहीं होता, अगर बिल्कुल. सोचा है कि हाँ करना ही है तो हो जाएगा, वो कुछ भी करके हो जाएगा। सो तुम कितने आवर्स पढ़ते थे संदीप एक दिन में? जैसे तुमने बोला ब्रेक भी लगते थे बीच में, पर ऑन अ बेसिस, एवरेज बेसिस आप कितने आवर्स पढ़ते थे एक दिन में? मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सा पंक्चुअल रहता हूँ, मतलब मेरा टाइम को लेकर थोड़ा सा वो रहता था, तो मैं विंटर्स में एक रूटीन फॉलो करता था और समर्स में एक करता था। विंटर्स वाला रात में ज्यादा कर देता था और समर्स में दिन का ज्यादा होता था, क्योंकि सुबह विंटर्स में उतना ठंड रहता था तो नींद भी आती थी उठ के भी, तो इसीलिए रात को शिफ्ट कर देता था। तो एवरेज मैं सुबह सुबह 2-3 घंटा और रात में वो 4, 4.5, मतलब 6 घंटा करीब होता था एवरेज, रोज का एवरेज 6 आवर्स होता था। और और तुम एग्जाम के रोज? पहले वही, हाँ एग्जाम्स के पहले वही थोड़ा 8, 8, 8.5 घंटा हो गया था, तो और आप रोज कॉलेज ज्यादा जाते नहीं। थे? हाँ मैं रेगुलर जाता था, लेकिन बीच बीच कभी मैं, अगर मेरे को लगता था कि नहीं आज उतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब प्रेशर रहता था बहुत चीज का, तो नहीं जाता था, कभी छोड़ देता था। और हमारे सर भी अच्छे हैं, तो वो भी समझते थे, ठीक है, मेरे को बोलते थे कि ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोलना, ये सब अच्छे थे वो सर भी, बहुत अच्छे हैं हम लोग तो। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैकल्टीज ने आपको सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है. बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें जिनमें इतना अच्छा सपोर्ट होता है. दूसरी चीज, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि समर में आप सुबह पढ़ लेते थे, विंटर में आप रात को पढ़ लेते थे, मतलब जैसे आपको अच्छा लगता था वैसे पढ़ लेते थे. तो हाँ ये हाँ स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को फोर्स करने लग जाते हैं, मुझे सुबह 5 बजे उठ के ही पढ़ना है, मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है, फिर वो नहीं पढ़ पाते तो गिल्ट आता है उसमें और पढ़ाई नहीं हाँ होती. हाँ तो इट्स बेटर कि हाँ जब जागो तभी सवेरा वाली बात याद रखो, कि जब आपका मन करे हाँ आप तब पढ़ने बैठ जाओ. रोज पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए. सो संदीप, पढ़ना मैंने दो तीन पॉइंट्स आप बताना चाहोगे, दो तीन ऐसे पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको लगता है कि आपके IIT एग्जाम को क्लियर करने में बहुत मदद किए, और दो तीन ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने आपको प्रॉब्लम्स भी दिया IIT एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए. अच्छा, तो हेल्प किया मुझे, पहली बात तो आप, या आपके बिना नहीं हो सकता था, मेरा जीरो मतलब नॉलेज जीरो से आज तक जितना भी हुआ है सब कुछ आपके वीडियोस देख के मेरा हुआ है। और दोनों सेकंड चीज़ है, पंक्चुअल रहना चाहिए, अगर कुछ प्रॉमिस किया है खुद के साथ तो मैं खुद को टास्क देता था कि सारा दिन में मेरे को आज ये चैप्टर रिविजन करना है, इसका इसका खत्म करना है, ऐसे मैं टास्क देता था। और रात में अगर कंप्लीट हो जाता था तो ठीक है, अच्छा लगता था, अगर नहीं होता था तो गिल्ट लेके सोता था अगले दिन मैं करूंगा ये, ऐसे करके सोता था, तो वो अच्छा चीज है। और तीसरा चीज है रिवीजन, जो मैं सबको बोलता हूँ, मेरे दोस्त चाहे जो मेरा कोई परिचित भी ना हो, मेरे को एक एक मतलब कुछ देर के लिए बात हुआ, मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ रिविजन करना चाहिए, रिविजन से बहुत कुछ होगा, रिविजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल. तीनों चीजें हैं जो बहुत मानना चाहिए। और डार्क साइड बोलूँ, मतलब बुरा साइड इसका, तो प्रेशर तो रहता है सिर पे, मतलब रैंक लाने का, इतना साल का मेहनत। मेरा तो ये भी हुआ था कि जैम के पिछले दिन रात को मेरा नींद नहीं आ रहा था, मेरा 4 बजे तक मैं बैठा था, तभी थोड़ा विंटर चल रहा था, ठंडी था, तो मेरे को रात के 4 बजे तक नींद नहीं आ रहा था, मतलब इतना दिन का पढ़ाई था ना, मैं सोच रहा था कि अगर एक भी फॉर्मूला में
भूल जाऊं फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो मतलब एक मार्क्स भी जाएगा तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नेगेटिव तो मैं छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को नहीं लेना था रिस्क एकदम नेगेटिव का, और इधर इतना फॉर्मूलाज है फिजिक्स केमिस्ट्री के, और मैंने कुछ छोड़ा नहीं था, मैंने सब किया, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा। मेरे को अच्छा लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैंने कुछ चैप्टर नहीं छोड़ा, मैंने सब चैप्टर किया। तो वो एक मैंने ज़्यादा प्रेशर लिया था, उतना नहीं देते वो लोग, एनालिसिस करके देखेंगे तो समझ आ जाता है कि इतना चैप्टर नहीं आता, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था, मैंने पढ़ लिया, एक हो गया। और सेकेंड जो चीज़ बहुत बुरा लगता है, मेरे दोस्त बहुत बार मेरे को घूमने के लिए बोलते थे कि चलो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, मेरे को हर बार चाह के भी डिनाई करना पड़ता था कि नहीं छोड़ो तुम लोग जाओ मैं रहता हूँ ऐसा ऐसा। तो वो लोग भी बोलते थे ये तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा सारा दिन, कैसे पढ़ लेता है बैठ के यहीं पे, ये बिस्तर पे पड़ा रहता है सारा दिन टेबल पे। तो वो एक बोलते थे, तो ठीक है वो लोग रहते हैं साथ में तो मन अच्छा हो जाता है। यही दो चीजें हैं रिग्रेट जो घूम नहीं पाया, अभी घूम लूंगा, अभी टाइम है जितना दिन। अब तो बैंगलोर या हाँ मुंबई या जहां पर भी जाके अब तो घूमोगे, आप उन सिटीज हाँ को घूमोगे, कैंपस एंजॉय करोगे, मतलब डेफिनेटली और अभी एक चीज, मेरा मेरे को हाँ खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं फुटबॉल खेलता था कॉलेज में आके पहले, फिर उसके बाद जब से स्टार्ट किया पढ़ाई अच्छे से, तब से मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ा, मतलब छोड़ दिया सब कुछ, मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं वो एनिमी देखता था, मेरा पसंद है जो जापानीज कार्टून होता है, वो मैं देखता था रात में, मैं एक एपिसोड देख के सोता था, क्योंकि वो मेरा प्राइज होता था कि मैं खुद को प्राइज देता कि पूरा दिन मेहनत किया, चलो एक एपिसोड देख लो नहीं सो जाओ, ऐसे करता था। सुसंदीप वही वाली बात होती है कि आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है अगर आपको कहीं पहुंचना है। आज आप एक बहुत अच्छी जगह हो तो आपने जितनी भी चीजें सेक्रीफाइस किया आप उन सब चीजों का एंजॉय कर सकते हो और बिल्कुल गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हो। अगर आप उस टाइम एंजॉय कर भी लेते तो बहुत सारा गिल्ट आता कि यार ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। और अब हमें पता है कि आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट संदीप फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी, एंड आई होप कि आपका बहुत अच्छा करियर रहे आगे भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट संदीप, थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच संदीप, बाय बाय।